Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस कोर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ, और इसका आज ये छठा सत्र है, लेक्चर नंबर 6, जिसका टाइटल है ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी इन प्रैक्टिस। और अपने इस सत्र में आज हम हमने सत्र नंबर 5 में जो कुछ बातें रह गई थी रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उससे संबंधित जो बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी उसको हम आज अपने इस सत्र में पूरा भी करेंगे, और साथ ही साथ किस प्रकार से ऑक्यूपेशनल जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत है या उसका उपयोग किया जाता है, इस पर भी हम आज अपने इस सत्र में एक चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो ऑक्यूपेशनल जो सेटिंग है उसमें कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल बिहेवियर को, उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार से किन बातों का ध्यान रख करके हम उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सकते हैं या एनहांस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम अपने पिछले सत्र की जो चर्चा रह गई थी उसको हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करेंगे, और उसमें जो पहली जो इम्पॉर्टेंट जो एक बात हम यहाँ जिससे शुरू करेंगे वो है लैक ऑफ कॉम्प्लायंस विद रेलेवेंट सेफ्टी रूल्स। और ये हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी सेफ्टी एंड हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं उनको पूरा करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। इस पर हमने अपने पिछले सत्र में चर्चा की, और वहाँ ये पाया कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ओवरऑल सेफ्टी और हेल्थ को प्रभावित करते हैं। कुछ वर्क कंडीशन से रिलेटेड हैं, कुछ वहाँ की जो ओवरऑल जो टास्क हैं, जो जॉब है उससे रिलेटेड हैं, और ऐसे में ऑर्गेनाइजेशंस को ये ध्यान रखना होता है या ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल सेफ्टी एंड हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें और उसके बारे में वो जो भी ज़रूरी कदम हो वो उनको उठाएं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उनको उठाने चाहिए या उठाने होते हैं, और जो सेफ्टी गाइडलाइंस में और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग और जो रूल्स बनाए गए हैं जो इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना मैंडेटरी है, यानी कि उनके लिए उसको फॉलो करना न सिर्फ उनकी नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि उनके लिए वो लीगली बाउंडिंग भी है, उनके लिए वो कानूनी रूप से भी ज़रूरी है उसको पूरा किया जाना। फिर भी कई बार ऐसे में वो उन नियमों को अनदेखा करते हैं या उनकी जो कंप्लायंस है उनको वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, और इसका एक प्रमुख कारण ये है कि इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है या लीडरशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसका उदासीन रवैया इन सभी पैरामीटर्स को लेकर के या इसकी इम्पॉर्टेंस को लेकर के, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ से संबंधित जो हम कह सकते हैं जो रिस्क हैं उनको वो नज़रअंदाज करते हैं या उसका बहुत ज़्यादा उनको हम कह सकते हैं कि एहसास नहीं होता जब तक कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए या किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, तब तक इस प्रकार की जो इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको वो इग्नोर कई बार कर देते हैं या नेगलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में ये जो लैक ऑफ कंप्लायंस है, यानी नियमों की अवहेलना करना और उनको पालन न करना, कड़ाई से उनका पालन न करना, ये एक कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है। इसके बाद जो रेगुलर प्रोसीजरल वायोलेशंस होती हैं, यानी कि कई बार जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के संदर्भ में हमें यहाँ पर ये पहले समझना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने पिछले सत्र में भी आपको ये बात बताई थी कि उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट, तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टास्क को पूरा करने को लेकर के यानी प्रोडक्टिविटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या हम कह लें उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और ऐसे में उनको बहुत सारी डेडलाइंस या उनको बहुत सारे टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं और ऐसे में ये होता है कि वो कुछ जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं या जो रूटीन जो फॉलो किए जाते हैं उनको वो कई बार नेगलेक्ट करते हैं ताकि वो चीज़ों को स्पीड अप कर सकें, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको वो बढ़ा सकें और ऐसे में अक्सर जो प्रोसीजरल वायलेशंस होते हैं वो कई बार हो जाते हैं। यानी कि अगर कभी कोई डेडलाइन आ गई है, कभी कोई ह्यूमन एरर की वजह से इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो हो जाती हैं कि वायलेशन हो गया या सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया गया। परंतु यदि इसे प्रैक्टिस में लाया जाए या इसकी आदत बना ले कोई ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ का जो मैनेजमेंट है या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, अगर वो इसकी आदत डाल लें या इस चीज़ को वो एक प्रैक्टिस में ले आएँ और वो आदतन नियमों का उल्लंघन करें तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है और ऐसे में उसको हम रेगुलर प्रोसीजरल वायलेशंस की संज्ञा देते हैं। इसके बाद जो एक तीसरा बहुत प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर जो गलती होती है और जो आगे चल करके सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती है वो है पुअर सिलेक्शन प्रोसीजर्स। यानी कि आपने अगर किसी कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं किया है, उसके पास वो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन या सेट ऑफ स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं और अगर किसी को आपने ऐसी परिस्थिति में उसको आपने वो काम दे दिया है तो इसमें बहुत गुंजाइश है कि वो व्यक्ति उस काम को गलत करेगा या वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेगा और ऐसे में जब गलतियाँ ज़्यादा होंगी तो सेफ्टी और हेल्थ अपने आप वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि जो सेफ्टी और हेल्थ है वो प्रभावित होगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर्स से जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने कार्य को हम कह सकते हैं कि वो दूसरों को आउटसोर्स कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स से कराते हैं और उनके ऊपर वो कड़ाई से पूरा पालन नहीं करते तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर्स भी प्रॉफिट बेस्ड अपने जो उनका पूरा वो चाहते हैं कि उस कार्य से या उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, तो ऐसे में वो बहुत सारे प्रोसीजरल वायलेशंस करते हैं या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। तो उनके ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशंस कड़ाई से उनका हम कह सकते हैं सुपरविजन ना करें, उनका मैनेजमेंट ना करें तो ये सब भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को एक रिस्क पर रखता है। इसके बाद पुअर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कोऑपरेशन एंड कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर भी अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन चैनल हैं, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट से जो मैसेज नीचे पास हो रहे हैं या नीचे से जो मैसेजेस ऊपर जाने चाहिए रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं या मे बी मेंटेनेंस से संबंधित या किसी भी तरह की कोई इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ये जो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यदि ये कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है तो ये भी कहीं ना कहीं आगे चल करके लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटिंग में सेफ्टी एंड हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं ये उसको कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रभावित करता है। इसके बाद कोऑपरेशन एंड कंट्रोल, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जो लीडरशिप से एसोसिएटेड और मैनेजमेंट के जो आपस में जो टॉप लीडरशिप पे लोग बैठे हैं उनके बीच में, नीचे वर्कर्स के बीच में या कलीग्स के बीच में और इंटर डिपार्टमेंट यानी एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से अगर इस तरह की जो कोऑपरेशन अगर नहीं होगी तो यहाँ पर भी ये देखा गया है कि इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर भी अक्सर ये सेफ्टी एंड हेल्थ जो है वो एट रिस्क होती है। इसके बाद एक वीक मैनेजमेंट जो है स्ट्रक्चर, जहाँ पर कि उनको इसके बाद मैनेजमेंट जो है उसके अंदर यदि हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के उनके जो कंसर्न्स हैं या उनका जो अप्रोच है यदि वो बहुत ही हम कह सकते हैं ढीला रवैया है या वो उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में ये जो उनकी ओवरऑल जो अरेंजमेंट है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी और उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करने को लेकर के तो ये भी नेगेटिवली ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रभावित करता है। इसके बाद ये देखा गया है कि जो 90% तक जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो उनका प्रमुख कारण ह्यूमन एरर होता है, यानी कि जो एक्सीडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में हो रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण ह्यूमन एरर है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ कार्यरत हैं, जो लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में हों, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर उस चीज़ को उस कार्य को कर रहे हों, उन सभी के स्तर पर कहीं ना कोई एरर हो रहा है, जिसकी वजह से ये सभी एक्सीडेंट्स होते हैं या प्रमुखता से ह्यूमन जो पार्ट है वो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो इसी सर्वे में जो रिपोर्ट थी और वो ये थी कि आउट ऑफ द टोटल एक्सीडेंट्स, जो टोटल एक्सीडेंट्स जो हुए हैं उसमें से अप टू 70% ऑफ द एक्सीडेंट्स कुड हैव बीन अवॉइडेड, यानी कि 70% तक हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते थे अगर मैनेजमेंट की तरफ से प्रोएक्टिव एक्शंस लिए गए होते और पहले से इस तरह का स्टेप्स उठाए जाते जिससे ये कंडीशन इस स्टेज में ये बात पहुंचती ही नहीं कि एक्सीडेंट होता। तो ऐसे में अगर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट हो, उसका अप्रोच हो और वो पहले से इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हों और वो एक्सीडेंट होने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करने से लेकर के हर प्रकार के जो रूटीन ऑब्जर्वेशन से वो जो भी बातें सामने आती हैं उन सभी को प्रोएक्टिवली अगर ध्यान दिया जाए तो हम एक बड़ी मात्रा में जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स या जो वर्कप्लेस जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सीडेंट रेशियो है जिसको हेनरिक ने बताया है और ये कुछ इस प्रकार से है जो मैं यहाँ पर आपके लिए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने एक प्रकार का एक ट्रायंगल बनाया जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो इसको उन्होंने संज्ञा यहाँ पर दी नियर मिस, और एक रेशियो उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि नियर मिस वो अवस्था है या वो कंडीशन है जब कोई एक्सीडेंट हो सकता था परंतु वो घटित नहीं हुआ, होते होते रह गया। और ऐसे कुछ 300 इंसिडेंट्स जब होते हैं तो उन 300 इंसिडेंट्स के मुकाबले 30 ऐसे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी बहुत ही माइनर एक्सीडेंट्स जो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि उसमें कोई छोटी मोटी चोट या कोई छोटा मोटा नुकसान ही केवल उसमें होता है, बहुत ही माइनर एक्सीडेंट्स। और एक मेजर एक्सीडेंट जो होता है उसकी जो संख्या है वो 1 है, यानी कि हर 300 जो नियर मिस घटनाएं होती हैं, यानी कि दुर्घटना होते होते रह जाने वाली जो अवस्था है, इस तरह के जब 300 इंसिडेंट होते हैं तो ऐसे में उसके बाद माइनर एक्सीडेंट्स जो हैं इस तरह के 300 घटनाएं होने के बाद ये देखा गया है कि 300 माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं और इस तरह के माइनर इंसिडेंट्स जो होते हैं उसके बाद एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो हालांकि ये जो ट्रायंगल हेनरिक ने प्रपोज किया है ये खुद में कोई गारंटी नहीं है किसी भी बात की कि क्या 300 नियर मिस होने के बाद ही कोई मेजर एक्सीडेंट होगा या फिर पहली ही बार में कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, ये इस चीज़ को नहीं दर्शाता। यहाँ केवल इससे तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जो घटना होते होते रह जाती है, दुर्घटना होते होते रह जाती है, वो इस तरफ इशारा करती है कि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के स्तर पर, तो उसमें पहला है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग से यहाँ तात्पर्य ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओवरऑल जो उनकी जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ पे वर्कफोर्स है, उनको ऑन टाइम ट्रेनिंग देना, उनको जॉब में किस तरह से उनको बिहेव करना है, किस तरह से उनको अपना टास्क कंप्लीट करना है, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी बातों का उन्हें ध्यान रखना है, चाहे वो यूजिंग ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना हो, या ओवरऑल वो विद इन द वर्क उनको कैसे रहना है, कैसे कार्य को करना है, इससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं उनको उन्हें समय समय पर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और इससे ओवरऑल एक सेफ्टी कल्चर प्रमोट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट टुवर्ड्स द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ इट्स वर्कर वो भी इससे उजागर होता है, वो भी इससे हाईलाइट होता है। और वर्कर्स को मोटिवेट करना कि ताकि वो जो प्रोसीजरल जो फॉल्ट्स हैं या जो रेगुलर जो जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए विद इन द जॉब, जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का उनको यूज़ करना, जैसे हेलमेट पहनना या ग्लव्स का पहनना या रबर शूज़ का पहनना या इस तरह के जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करना, या एक वर्क कंडीशन में जिन भी बातों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है, जैसे मशीन को विदाउट प्रॉपरली ऑफ किए और उसकी पावर कट किए बिना उसमें और किसी तरह का कोई काम ना करें। तो इस तरह की जो एक रेगुलर बेसिस पे एक जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कार्य होते हैं उसको लेकर के एम्प्लॉइज़ के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना, उनको उसके लिए ट्रेन करना, और साथ ही साथ उनके बीच में एक ऐसा कल्चर बनाना जिसमें वो एम्प्लॉइज़ इस तरह की आदतें उनको पढ़ें और साथ ही साथ वो इसको इम्पॉर्टेंट भी माने। और उन्हें ये मैसेज क्लियर कट जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे यानी कि सेफ्टी और हेल्थ के जो उनके एफर्ट्स हैं वो सिंसियर एफर्ट्स हैं, और उसको लेकर के ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सेंसिटिव और कमिटेड है। तो ये इस प्रकार का एक कल्चर वहाँ डेवलप करने की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल किया जाना, ये भी जो वहाँ की जैसे जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनको जितने हद तक ऑर्गेनाइजेशन या उसकी जो मैनेजमेंट है या जो लीडरशिप है उसको इस हद तक ले आए या इस तरह से उसको मैनेज करे कि जो वर्क कंडीशंस हैं वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को या सेफ्टी को किसी भी तरह से एडवर्सली अफेक्ट ना करे। इसके बाद कंट्रोल ऑफ फटीग एंड स्ट्रेस, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले सत्र में भी की थी, तो यहाँ हम उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और फटीग और स्ट्रेस को किस प्रकार से कम किया जा सकता है विद इन द जॉब, इस पर भी मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से जो ओवरऑल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो हम कह सकते हैं जो ध्यान रखा जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये लीडरशिप की जो जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है, ये अगर ठीक से पूरी की जाए तो ओवरऑल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। और इससे होने वाले जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जब किया जाएगा तो हमेशा ये पाया जाएगा कि जो इससे होने वाले जो नुकसान थे वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा भारी पड़ते, और इस पर जो खर्चा आया इन सेफ्टी एंड हेल्थ पैरामीटर्स को फॉलो करने में या लागू करने में जो खर्चा आया है वो कहीं ना कहीं उस कॉस्ट से बहुत कम है जो कॉस्ट बाद में किसी मेजर एक्सीडेंट या उससे रिलेटेड जो और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनसे जब कंपेयर किया जाएगा तो ये ऑलवेज जो सेफ्टी एंड हेल्थ को फॉलो करना या उसको प्रमोट करना हमेशा बेहतर देखा जाएगा, या उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा वो हमेशा बेहतर होगा। तो इस प्रकार से हम अब अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे जो है अबाउट द वेलबींग एंड इट्स रिलेशनशिप टू द वर्क। जैसा हमने अभी चर्चा की कि एम्प्लॉइज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्यरत हैं उनकी सेफ्टी और हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ऐसे में सेफ्टी और हेल्थ के साथ साथ जो एम्प्लॉई है वो न केवल एक एम्प्लॉई है बल्कि वो खुद में एक इंडिविजुअल भी है। और ऐसे में केवल वो वहाँ पर एक हम कहें कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ कार्य करने आया है और केवल कार्य करके चला जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का उससे सिर्फ इतना ही संबंध है कि वो उसे कुछ पेमेंट करते हैं और उनके लिए वो कुछ काम करता है। तो ये जो हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं है जहाँ पर कि केवल उसकी सेफ्टी हेल्थ और उसकी पेमेंट इतना ही ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, बल्कि चीज़ें इससे आगे जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्प्लॉई वेलबींग, यानी कि जो व्यक्ति वहां पर कार्यरत हैं, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बारे में उनका ओवरऑल जो लाइफ है, जो उनकी चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो उनकी फैमिली लाइफ हो, उन सभी के बारे में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर ध्यान भी दें, उसको एनहांस करने के लिए जो भी उनसे बन पड़े वो उसको करें। और आजकल ये प्रैक्टिस में भी है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो इफ़ेक्टिवली अपने फील्ड में या अपने बिजनेस में जो अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सर्कल की तरह है जहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय के वेलबींग के लिए कमिटेड होती हैं, तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होते हैं और वो अपने जॉब के प्रति एंगेज्ड होते हैं, उससे सेटिस्फाइड होते हैं और जो ओवरऑल उनका वर्क है उससे वो उसके लिए वो मोटिवेटेड होते हैं और साथ ही साथ जो उनका ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस है वो भी एनहांस होता है और ऐसे में जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करती है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉय के वेलबींग का भी ध्यान रखा जाए। और वेलबींग से यहाँ तात्पर्य ये है दैट वेलबींग refers to a dynamic mental state where an individual can, among other things, achieve their potential, work and live productively and cope with and adopt to times of change and uncertainty. यानी कि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ न केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ावा देने की बात है बल्कि नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करने की भी बात की गई है, यानी कि जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉई है, वो अपनी लाइफ में जो भी वो अचीव करने का पोटेंशियल रखता हो, अपनी लाइफ को वो फुली एक अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ को जिए, यानी कि लिविंग द लाइफ एट द फुलेस्ट या एट द फुल पोटेंशियल, और उसके अंदर जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार वो अपने जीवन में चीज़ों को अचीव करे। तो इस पॉजिटिविटी के साथ जब एम्प्लॉय कार्य करता है या ऑर्गेनाइजेशन जब उसकी इस क्वालिटी को या उसकी इस हम कह सकते हैं ह्यूमन पोटेंशियल को जब प्रमोट करता है, तो ये ओवरऑल जो वेलबींग होता है एम्प्लॉय का वो इससे बढ़ता है। इसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं विद इन द वर्क या इन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जब कार्यरत होते हैं तो ड्यू टू ओवरबर्डन या ड्यू टू हम कह सकते हैं एक्सेसिव डिमांड, तो उनकी जो टास्क में या एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, इसकी वजह से बर्नआउट की कंडीशंस कई बार देखी जाती हैं। और बर्नआउट से यहाँ तात्पर्य ये है कि बर्नआउट एक प्रकार का सिंड्रोम है जिससे एम्प्लॉयज़ के अंदर इमोशनल एग्जॉशन, डीपर्सनलाइजेशन एंड रिड्यूस्ड पर्सनल अकम्प्लिशमेंट, ये तीन बहुत ही प्रमुख यहाँ पर आप देख सकते हैं। इमोशनल एग्जॉशन, डीपर्सनलाइजेशन एंड रिड्यूस्ड पर्सनल अकम्प्लिशमेंट, और इसमें भी बर्नआउट का जो सबसे प्रोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमोशनल एग्जॉशन, यानी कि व्यक्ति पूरी तरह से कार्य को करने को लेकर के डिमोटिवेट हो जाता है और वो पूरी तरह से इनकैपेबल हो जाता है अपने इस कार्य को करने के लिए और वो बहुत ही नेगेटिव फील करता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति है वो डीपर्सनलाइज फील करता है और डीपर्सनलाइज से यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की अरुचि आ जाती है अपने कार्य के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, यानी जिनके साथ वो कार्य कर रहा है उनके प्रति भी वो एक उनसे भी दूरी बनाता है। और उसके बाद पर्सनल अकम्प्लिशमेंट में भी उसके गिरावट आती है, यानी व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वो अभी और फ्यूचर में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी कार्य वो सही तरीके से पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का एक ओवरऑल उसके अंदर एक नेगेटिविटी और एक नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि बर्नआउट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वर्क से रिलेटेड वेलबींग और वर्क से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज़ वर्क एंगेजमेंट, और वर्क एंगेजमेंट ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपने कार्य में डूबा हुआ है या यूँ कह लीजिए कि वो कितना लगाव रखता है अपने कार्य से और उस कार्य को करने के लिए वो कितना कमिटेड है। और जब व्यक्ति अपने उस कार्य में पूरी तरह से एंगेज्ड होता है, यानी वो पूरी तरह से निहित होता है उस कार्य को करने के लिए, तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव स्थिति होती है और उसके अंदर एक प्रकार की पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टेट डेवलप होती है। और इससे उसके अंदर हम तीन प्रकार के प्रमुख डायमेंशंस देखते हैं जो वर्क एंगेजमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर देखा जाता है। उसमें पहला है विगर, दूसरा है डेडिकेशन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो एम्प्लॉई होगा उसके अंदर अपने कार्य को करने को लेकर के बहुत अधिक उत्साह होगा और वो पूरे जोश के साथ अपने उस कार्य को करेगा। साथ ही साथ वो अपने कार्य को करने को लेकर के पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होगा, यानी वो अपना पूरा समय अपने कार्य में देगा और उसे बाकी डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होगा। और साथ ही साथ वो अपने कार्य में पूरी तरह से डूबा रहेगा, यानी कि उसके लिए कोई और चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होगी बल्कि अपना काम ही उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगेगा। तो ऐसी कंडीशंस में तो हम देखते हैं कि जब बर्नआउट की कंडीशन आती है तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक प्रकार की नेगेटिविटी आती है और इससे जो उनका वेलबींग है, जो उनका ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो घटता है, यानी वो नेगेटिव दिशा में जाता है। और जब एम्प्लॉयज़ वर्क एंगेजमेंट उनके अंदर देखा जाता है, यानी वो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हैं, तो ऐसे में जो उनका वेलबींग है वो भी बेहतर पाया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जॉब डिमांड्स एंड रिसोर्स मॉडल, यानी कि ये एक ऐसा हमारे पास मॉडल है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो बर्नआउट की कंडीशन आती है या जो वर्क एंगेजमेंट की जो फीलिंग एक एम्प्लॉय के अंदर आती है, तो ये जो दोनों स्टेट हैं ये किन फैक्टर्स से प्रभावित होती हैं। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है और वो है जॉब डिमांड एंड रिसोर्स मॉडल, जहाँ पर कि जॉब डिमांड को तीन तरह से उसमें देखा गया है। पहला है हाई वर्कलोड, यानी कि जो एम्प्लॉई है उसको बहुत अत्यधिक कार्य करना पड़ रहा है अपने उस जॉब में और वो पूरी तरह से इतना ज़्यादा कार्य में दब गया है, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और जितना उसकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा उससे कार्य कराया जा रहा है। इसके बाद एक और जॉब डिमांड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रोल कन्फ्लिक्ट, यानी कि व्यक्ति को ये क्लियरिटी नहीं दी गई है कि वो उसको जो कार्य करना है वो क्या है और उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल है, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट है। यानी कि उसे डिसीजन लेने की उसके पास क्षमता नहीं है, वो कोई भी जो कार्य करना है उसको करने में उसे रुकावट आ रही है क्योंकि देयर इज़ अ रोल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में जब व्यक्ति को अपना रोल स्पष्ट नहीं होगा, क्या कार्य उसे करना है, कहाँ पर करना है, ये उसे स्पष्ट नहीं होगा, तो ऐसे में रोल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। इसके बाद जॉब इनसिक्योरिटी, अगर व्यक्ति अपने जॉब को लेकर के इनसिक्योर महसूस कर रहा है, उसे बार बार ये लगता है कि जो जॉब की उसकी सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित नहीं है, यानी कि उसका जो जॉब है वो हमेशा रिस्क पर है, तो ऐसे में वो व्यक्ति हमेशा उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी, एक असुरक्षा का भाव बना रहेगा और ये कहीं ना कहीं उसकी जॉब डिमांड को इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ाएगा। उसके बाद जॉब रिसोर्सेज से संबंधित जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहला है सोशल सपोर्ट, यानी कि उस व्यक्ति के पास जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वो फ्रॉम द फैमिली भी हो सकता है, वो कलीग्स जो उसके साथ जो कार्यरत हैं वहाँ से भी हो सकता है। तो ऐसे में जो ओवरऑल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट उस व्यक्ति को मिल रहा है, उस एम्प्लॉई को मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो जॉब रिसोर्स का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद जो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ जो एम्प्लॉई के सामने हैं विद इन द जॉब, यानी कि उस जॉब को करते हुए उस व्यक्ति के पास, उस एम्प्लॉई के पास कितने ऐसे अवसर आ रहे हैं जब वो खुद को डेवलप कर सकता है, यानी कि वो अपने उस जॉब में रहते हुए अपने इंडिविजुअलिटी को भी वहाँ पर एज ए इंडिविजुअल वो एक्सेल कर रहा है, पर्सनली ग्रो कर रहा है, उसकी अपनी स्किल सेट डेवलप हो रही है और ड्यूरिंग द टास्क, ड्यूरिंग द जॉब वो जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है वो उसके लिए पर्सनल लेवल पर एनहांसिंग है। उसकी ओवरऑल जो हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है, जो करियर है, उसके लिए उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ उसे मिल रही हैं विद इन द जॉब, ये कहीं ना कहीं उसके जॉब रिसोर्स का जो परसेप्शन है उस एम्प्लॉय के, उसको एनहांस करती है। इसके बाद जॉब कंट्रोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जॉब कंट्रोल, क्योंकि जॉब कंट्रोल में व्यक्ति को ये पता रहता है कि जो कार्य उसे करना है उसमें पूरी ऑटोनॉमी उसके पास है, पूरी तरह से डिसीजन लेने का जो पावर है वो उसके पास है, और वो अपने इस जॉब को, भले ही वो जॉब क्यों ना उसका बहुत हाई डिमांडिंग हो या उसकी वजह से उसको कई तरह की हम कह सकते हैं स्ट्रेस या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, परंतु यदि वो एम्प्लॉई ये महसूस करता है कि जॉब पर उसका पूरा कंट्रोल है, यानी उस कंडीशन में उसके पास ऑटोनॉमी है, तो ऐसे में वो व्यक्ति जो होगा वो उसको एक रिसोर्स के तौर पर देखेगा। यानी कि जब सोशल सपोर्ट और डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी और जॉब कंट्रोल मौजूद होंगे तो वो व्यक्ति या एम्प्लॉई उस तरह की कंडीशन को एक रिसोर्स के तौर पर देखेगा, और ऐसे में जो जॉब डिमांड है और जो जॉब रिसोर्स है, तो जॉब डिमांड अगर एक्सीड कर जाती है और लॉन्ग टर्म तक वो एक्सीड करती है तो इट मे कॉज बर्नआउट, और जो जॉब रिसोर्स है यदि वो ज़्यादा है या वो बेहतर है तो व्यक्ति का वर्क एंगेजमेंट बढ़ता है। अब इसके साथ जो पीछे हमने चर्चा की थी वर्क एंगेजमेंट की और बर्नआउट की, तो वर्क एंगेजमेंट और बर्नआउट को इनिशियली ये समझा जाता था कि ये दो अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है और एक दूसरे के अपोजिट एंड पर ये हैं। परंतु आगे चल करके बहुत सारे रिसर्चेज में ये पाया गया कि ये पूरी तरह से अपोजिट एंड पर नहीं हैं और ये बहुत हद तक इंटरकनेक्टेड भी हैं, और एक व्यक्ति एक ही समय में वर्क एंगेजमेंट भी उसका हाई हो सकता है और स्टिल द पर्सन मे फील बर्नआउट, यानी कि एक ही समय में व्यक्ति बर्नआउट भी महसूस कर सकता है और एक ही समय में व्यक्ति या एम्प्लॉई वर्क एंगेज भी हो सकता है, क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो वो व्यक्ति बर्नआउट फील कर सकता है, परंतु यदि उसके पास जॉब कंट्रोल या उसके पास डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, उसकी जो जॉब है, उसकी जो वर्क कंडीशंस हैं उसमें उसके पास मौजूद हैं, उसका सोशल सपोर्ट उसके पास मौजूद है, तो वो व्यक्ति वर्क एंगेज भी महसूस करेगा। और साथ ही साथ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ड्यू टू डिमांड की वजह से, एक्सेसिव डिमांड की वजह से वो थोड़ा सा बर्नआउट भी महसूस कर सकता है। तो ऐसे में कुछ रिसर्चेस जो किए गए हैं रिलेटेड टू जॉब डिमांड एंड रिसोर्स, उसमें ये देखा गया है कि दैट पुअरर वर्किंग कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद वेरियस वेलबीइंग आउटकम्स, यानी कि अगर वर्किंग कंडीशंस बेहतर नहीं हैं और वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है तो ऐसे में उसका जो दुष्प्रभाव है वो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है, और साथ ही साथ ये आगे चल करके ये मॉर्टेलिटी, यानी कि इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का जो ओवरऑल जो मॉर्बिडिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको, उन पर ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इससे हम जॉब डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ हम जॉब रिसोर्स जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। इसके बाद एक और रिसर्च में ये देखा गया दैट वर्कर्स हु फेस हाई वर्क डिमांड्स and low control are more likely to be overweight, smoke, drink and physically inactive, यानी कि जो वर्कर्स अपने जॉब में हाई डिमांड फेस करते हैं, यानी उनके जॉब की डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा हैं परंतु जो जॉब पर उनका कंट्रोल है वो बहुत कम है या ना के बराबर है, तो ऐसे में उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो देखने मिलते हैं उसमें ओबेसिटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस प्रकार के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको देखा गया है कि दे आर लिंक्ड विद हाई जॉब डिमांड एंड लो कंट्रोल। इसके बाद जो वर्कर्स ये बताते हैं दैट उनकी जो जॉब है उसकी जो डिमांड है वो हाई है और उनके अंदर जो रिस्क होगा डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेंटल इश्यूज वो इंक्रीज होता है, यानी कि वो वर्कर्स जो अपने जॉब में ये रिपोर्ट करते हैं कि वो बहुत ही साइकोलॉजिकली डिमांडिंग जॉब है, ऐसे में उनके अंदर मेंटल कंडीशंस आगे चल करके मेंटल डिसऑर्डर्स के डेवलप होने की जो लाइक्लीहुड है वो ज़्यादा होती है। इसी के अलावा एक और रिसर्च में ये देखा गया कि दैट वर्कर्स हु आर डूइंग देयर टास्क फॉर मोर देन 55 आवर्स पर वीक उनके अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस, यानी कार्डियोवैस्कुलर उनको डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं या स्ट्रोक होने के जो चांसेस हैं वो अधिक होते हैं। यानी कि वो एम्प्लॉयज़ जो एवरेज एक हफ्ते में 35 टू 40 आवर्स तक कार्य करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ की तुलना में जो एम्प्लॉयज़ 55 आवर्स तक के वर्क आवर कंडीशन में काम कर रहे हैं, यानी 55 आवर्स पर वीक की कंडीशन में कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक होने के चांसेस लाइक्लीहुड उसका ज़्यादा होता है। तो इन सभी बातों से यहाँ पर ये हमें क्लियर हो रहा है कि जॉब डिमांड और रिसोर्स ये दोनों का जो बैलेंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विद इन द वर्क कंडीशन। अगर एम्प्लॉयज़ का ओवरऑल जो जॉब डिमांड है वो एक्सीड करेगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और यदि उनका जो जॉब रिसोर्स है वो भी इंक्रीज होगा तो उनका वर्क एंगेजमेंट एनहांस होगा, यानी वर्क एंगेजमेंट बढ़ेगा, एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज़। इसी से जुड़ा मैं आपको एक स्टडी का यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपको एक और चीज़ स्पष्ट होगी, और वो ये है कि यहाँ पर इस स्टडी में ये देखा गया दैट साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी यानी किसी भी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसके होने की जो संभावना है और उसकी वजह से जो जान जाने की जो एक गुंजाइश होती है वो, और जो टास्क डिमांड है यानी जो जॉब की डिमांड है ये यहाँ पर दर्शा रहा है, ये एंड जो है ये टास्क डिमांड को दर्शा रहा है या जॉब डिमांड को, ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये यहाँ पर दर्शा रहा है लो कंट्रोल कंडीशन को, और ये जो लाइन है ये यहाँ पर हाई कंट्रोल कंडीशन को, दर्शा रही है। और ये हम देख सकते हैं कि साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी जो लो कंट्रोल कंडीशन है उसमें कंपेयर टू हाई कंट्रोल कंडीशन वो ज़्यादा है, यानी कि जो जॉब कंट्रोल है यदि वो व्यक्ति उसको अनुभव करता है तो उसके अंदर जो ओवरऑल साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी के जो चांसेस हैं या लाइक्लीहुड है वो कम रहता है। ऐसे में फिर से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कहना और देखना कि जो वर्क कंडीशंस हैं उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और फ़ायदेमंद भी है। इंटरवेंशंस टू सपोर्ट वेलबींग जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें तीन प्रकार की प्रमुख इंटरवेंशंस हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी इंटरवेंशन, दूसरा है सेकेंडरी इंटरवेंशन, तीसरा है टर्शरी इंटरवेंशन। जो पहला इंटरवेंशन है दैट इज़ प्राइमरी इंटरवेंशन वो किया जाता है एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो इंटरवेंशन है ये सीधे सीधे डायरेक्टली एट द लेवल ऑफ जॉब इस चेंज को या इस इंटरवेंशन को किया जाता है, और ये रिलेटेड टू जॉब डिज़ाइन यानी कि व्यक्ति को जो कार्य करना पड़ रहा है उससे रिलेटेड जो वर्क प्रेशर उसके पास है, जो एक्सेस वर्क उसको करना पड़ रहा है, जो प्रेशर वो फील कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस किया जा सकता है एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है बिकॉज जो रूट कॉज ऑफ द जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी या एम्प्लॉय का जो ओवरऑल जो उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी जो स्ट्रेस कंडीशन है या जो फटीग वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसे में जॉब डिमांड सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है और जॉब डिमांड को रिड्यूस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर किया जा सकता है। और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे में ये कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को उस कार्य को करने के लिए ज़्यादा समय दे सकते हैं या वो उस कार्य को करने के लिए और स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हैं। यानी कि अभी तक वो जो अंडर स्टाफ्ड जो उनका डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर ज़्यादा वर्क प्रेशर पड़ रहा है, वो वहाँ पर और लोगों की नियुक्ति करके सभी के वर्क प्रेशर को डिवाइड करके उसको एक नॉर्मलाइज लेवल पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार की जो इंटरवेंशंस हैं ये एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए जाने चाहिए और ये मैनेजमेंट के लेवल से या लीडरशिप के लेवल से इस तरह के इंटरवेंशंस होते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी इंटरवेंशन है वो ये दोनों ही इंटरवेंशंस सेकेंडरी एंड टर्शरी ये एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ये किए जाते हैं इंटरवेंशंस। और इसमें जो सेकेंडरी इंटरवेंशन है वहाँ पर व्यक्ति को इस प्रकार की ट्रेनिंग उसको दी जाए या दी जाती है जिससे कि वो अपने उस कंडीशन से बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को फेस कर सके। जैसे उसको स्किल ट्रेनिंग या फिर उसको इस प्रकार की कुछ एक्सरसाइज ट्रेनिंग या माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग और इस तरह के जितनी भी ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं जिससे हम इंडिविजुअल को उसकी कैपेसिटी को उसकी स्ट्रेस बियरिंग जो कैपेसिटी है उसकी जो एबिलिटी है टू हैंडल द स्ट्रेस इन सभी चीज़ों को हम एनहांस करते हैं या विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग हम व्यक्ति को ज़्यादा इक्विप करते हैं टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस। बट स्टिल जो पहला इंटरवेंशन है अगर उस लेवल पर चीज़ें नहीं की जाएंगी तो सेकेंडरी लेवल पर जो इंटरवेंशंस हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। इसके बाद टर्शरी इंटरवेंशन को कहा जाता है असिस्टेंट एंड सपोर्ट और ये उस कंडीशन में होता है वेन एवर सम इंसिडेंट हैपन्स, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया या इंसिडेंट हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वहाँ पर इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सपोर्ट और इन टर्म्स ऑफ उनको रिकवरी टाइम और इस तरह की जो भी सपोर्ट सिस्टम या असिस्टेंस उनको वहाँ पर जो ज़रूरी है वो दिया जाना चाहिए एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो तीन तरह के जो इंटरवेंशंस हैं यानी पहला प्राइमरी इंटरवेंशन एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सेकेंडरी इंटरवेंशन एंड टर्शरी इंटरवेंशन, ये दोनों इंडिविजुअल्स के लेवल पर। तो ये तीनों ही प्रकार के जो इंटरवेंशंस हैं इनको जब एम्प्लॉयज़ को उनकी वर्क कंडीशन में ये दिया जाता है इंटरवेंशन तो कहीं ना कहीं उनका जो ओवरऑल वेलबींग है वो एनहांस होता है। और यहाँ पर ये देखा गया है दैट जो एक स्टडी में एक रिसर्च में ये देखा गया कि वो वर्कर्स जिनको इस तरह की कंडीशन में जैसे यहाँ पर पर्टिकुलरली हम इस केस में एक 1500 के आसपास एक डॉक्टर्स के ऊपर एक सर्वे किया गया, एक रिसर्च की गई, उसमें ये देखा गया कि उनको जब सेकेंडरी इंटरवेंशन दिया गया तो उनके अंदर उस प्रकार की जो जॉब से रिलेटेड जो उनकी जॉब डिमांड्स थी वो कुछ हद तक उसको वो कह सकते हैं कि उसको हैंडल करने में या उससे हम कह सकते हैं कि उसको इफ़ेक्टिवली वो मैनेज कर पा रहे थे। परंतु फिर भी जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो इंटरवेंशन होता है यानी कि जो उनकी ओवरऑल जो वर्क शिफ्ट्स हैं या जो डॉक्टर्स की हम कह सकते हैं कि जो वर्क प्रेशर उनके ऊपर है, जो उनको किस तरह से उनके ऊपर ज़्यादा हम कह सकते हैं वर्क आवर्स का जो प्रेशर है, तो ये सभी जो कंडीशंस हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अगर इस पर इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा तो ये जो ओवरऑल जो उनका वेलबींग है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जबकि ये इंटरवेंशन यदि हर स्टेज पे किया जाए यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी और साथ ही साथ सेकेंडरी लेवल पर भी जब किया जाएगा तब ये इंटरवेंशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसे में स्टडीज़ ये बताती हैं, रिसर्चेज़ ये शो करती हैं कि इंटरवेंशन का जो भी प्रोग्राम एम्प्लॉई के वेलबींग के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है जब वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हर लेवल पर किया जाता है तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने अभी उसी चर्चा को किया कि किस प्रकार से जब इंटरवेंशन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और साथ ही साथ जब इंडिविजुअल के लेवल पर भी उस इंटरवेंशन को किया जाता है और जब साथ में ये सभी इंटरवेंशंस किए जाते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी की और वेलबींग को पॉजिटिव वे में जो देखने का जो एक पर्सपेक्टिव है उसकी शुरुआत कैसे हुई इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इनिशियली वेलबींग को केवल ये समझा जाता था कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी तरह का कोई हार्म या कोई इंजरी नहीं हो रही है या कोई डिजीज़ नहीं हो रही है या उसे कोई समस्या नहीं हो रही है तो हम ये मान सकते हैं कि वो एम्प्लॉय जो है वो उसका वेलबींग बेहतर है और हम ये सेटिस्फाई हो सकते हैं सोच के कि वो एम्प्लॉय जो है उसका ओवरऑल वेलबींग बेहतर है। परंतु मार्टिन सेलाइमन जो कि एपीए के प्रेसिडेंट भी रहे उन्होंने अपने पहले जो एड्रेस में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज ऑफ पॉजिटिव हेल्थ और उन्होंने वहाँ पर इस बात पर जोर दिया कि हमें केवल उन एस्पेक्ट्स पर बात नहीं करनी चाहिए जो हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल करने के ऊपर हमारा सारा फोकस रहता है बल्कि हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि हमारा केवल उद्देश्य मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करना या उनको एड्रेस करना नहीं है बल्कि बिहेवियर में इंडिविजुअल्स की लाइफ में जो चीज़ें बेहतर हैं जो अच्छी हैं उन पर हमें वर्क करना चाहिए और उन्हें कैसे एनहांस किया जा सकता है उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस पर भी हमें अपना विचार या अपनी रिसर्चेज या अपना फोकस रखना चाहिए। इसके बाद मार्टिन सेलाइमन ने एक और पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट जब उन्होंने इनिशिएट किया तो उसमें उन्होंने एक मेथड जो बताया वो था ग्रैटिट्यूड जर्नल का मेथड और ये बड़ा ही सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड उन्होंने डिवाइस किया और इसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता है या वो अपने बिहेवियर में पॉजिटिव एस्पेक्ट को एनहांस करना चाहता है तो उसे अपनी लाइफ में डेली एक डायरी या जर्नल मेंटेन करना चाहिए और ऐसे में वो डेली केवल अपनी लाइफ से रिलेटेड पूरे दिन में कोई भी 3 घटनाएं जो उसकी लाइफ में उस दिन अच्छी हुई हों वो उनको वहाँ पर लिखे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि दैट हमें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिए उन चीज़ों के प्रति जो बेहतर हो रही हैं हमारे जीवन में जिनसे हमें खुशी मिली या जिन्हें सोचकर हमें अच्छा लगा। उस दिन जो भी ऐसी घटना हमारे साथ हुई हो जो कि सामान्यतः हम उसे कई बार लाइफ का पार्ट मान के इग्नोर कर देते हैं तो ऐसे में इस प्रक्रिया के तहत हम उन एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करें उनको नोटिस करें उनको थोड़ी देर के लिए उनको अपने माइंड में उनको रिप्रेजेंट करें उनको एक कह सकते हैं कि उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो ऐसे में ग्रैटिट्यूड जर्नल की जो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो उस समय इंट्रोड्यूस किया ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी आगे चल करके और इसको कई जगह आजकल जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में इसको बहुत यूज़ किया जाता है और अक्सर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि दैट लाइफ में जो नेगेटिविटी है या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगी यानी कि हम बहुत हद तक लाइफ में प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हटा नहीं सकते या उनको हम पूरी तरह से अपनी लाइफ से रिड्यूस नहीं कर सकते परंतु जो एक काम हमारे कंट्रोल में है वो ये है दैट वी कैन फोकस ऑन व्हाट पॉजिटिव इज गोइंग इन आवर लाइफ। यानी कि हमारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है उस पर हम अपना फोकस शिफ्ट अगर करेंगे तो कुछ हद तक जो नेगेटिविटी हमारे आसपास है या जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनसे लड़ने में या उनसे बाहर निकलने में हमें बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट वर्क एंगेजमेंट एंड जॉब रिसोर्सेज। यानी कि जो चर्चा पहले भी हमने की जो जॉब रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वर्क एंगेजमेंट को एनहांस करते हैं। यानी कि जब भी कोई इंडिविजुअल वो ये या एम्प्लॉय ये फील करता है कि उसकी जो जॉब में जो उसका कंट्रोल है या वो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इस प्रकार का जो भी उसका जो ओवरऑल कंट्रोल है अपने जॉब पर जब वो ज़्यादा होता है तो उसका ओवरऑल वर्क एंगेजमेंट हाई होता है। और यहाँ पर जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं व्यक्ति के, उसकी भी यहाँ पर बातचीत की गई है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में दैट कि हमारा जो साइकोलॉजिकल कैपिटल है, यानी कि हमारी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ को अगर हम फोकस करें और उनको हम अपना एक पर्सनल रिसोर्स, यानी कि अभी तक हम जॉब रिसोर्स की बात कर रहे थे वेयर वी वर मोर फोकस्ड अबाउट कि हमें जॉब से क्या क्या मिल रहा है और जॉब में हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बट हम अपने अंदर की जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं यानी जो हमारी साइकोलॉजिकल कैपिटल है अगर हम उस पर भी फोकस करें तो हम अपने ओवरऑल वर्क एंगेजमेंट को, हम अपने ओवरऑल वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं थ्रू पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इसके जो चार इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल कैपिटल के, उसमें पहला है होप, एंड होप रिप्रेजेंट्स कि हमें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, यानी यहाँ पर लाइफ और वर्क लाइफ को एक ही हम करके देख रहे हैं, और होप से यहाँ पर यह है कि हमें वी शुड ऑलवेज बी होपफुल, हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारे जीवन में आगे चीज़ें अच्छी होंगी, चाहे वो हमारा जॉब ही क्यों ना हो या हमारी वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, तो वी शुड ऑलवेज मेंटेन होप। और होप रखेंगे देन देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि हमारे जॉब में जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं उनको हम एफिशिएंटली फेस कर पाएँ। इसके बाद सेल्फ एफिकेसी, यानी कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि उसकी जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है उसके दम पर वो अपने उस टास्क को, अपने उस कार्य को, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को, हर एक चीज़ को वो बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करेगा। उसके बाद रेजिलियंस, यानी जो बाउंसिंग बैक की जो एबिलिटी होती है, कोई भी व्यक्ति जब इस प्रकार की उसके सामने कंडीशन आती है जो उसके लिए बहुत ही एडवर्स कंडीशन हो, जहाँ पर वो काफ़ी अपने जीवन में नीचे आ गया हो या उसने कोई फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर उसको फेस करना पड़ा हो, तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं जहां व्यक्ति कुछ देर के लिए बैकफुट पे आ जाता है, परंतु फिर भी वो अपने अंदर इस प्रकार का रेजिलियंस शो कर सकता है अपने पार्ट पर, जहां पर कि वो ऐसी कंडीशंस से, टफ कंडीशंस से लड़ते हुए वो फिर से बाहर आ सकता है। तो ऐसे में एक और जो एस्पेक्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का और इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल कैपिटल, और वो है ऑप्टिमिज्म, यानी कि व्यक्ति को हमेशा आशावान होना चाहिए, उसको ये हमेशा ये सोचना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए कि जीवन में अच्छा होगा और आज भी अच्छा होगा और आगे और भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार का जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड जो लोग अपने अंदर रखेंगे, यानी स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट हम एम्प्लॉइज़ की ऊपर ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो अगर एम्प्लॉइज़ अपने अंदर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रखेंगे तो वो जॉब रिसोर्सेज के साथ साथ पर्सनल रिसोर्सेज की हेल्प से वो अपनी ओवरऑल वर्क एंगेजमेंट, ओवरऑल जो उनका वेलबींग है एट द वर्क, उसको वो एनहांस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आज का समय है हमारा, दिस इज़ अबाउट प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन के एरा में, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा जो बातचीत होती है दैट इज़ अबाउट एफिशिएंसी एंड आउटपुट। और ऐसे में प्रोडक्शन एरा जब इंट्रोड्यूस हुआ इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो दौर था, उसके बाद जब प्रोडक्शन एरा की हमने बात की तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस हुआ और वहाँ पर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की बात की गई। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से यहाँ पर यह तात्पर्य है दैट जो वर्कर्स हैं उनको केवल दे शुड बी ऑलवेज सीन एज अ कमोडिटी, और वो उनसे कार्य कराए जाने के लिए उनको कैरेट और स्टिक पॉलिसी से गवर्न करना चाहिए। हालांकि आगे चल करके इस तरह की जो थॉट्स थे उनको चैलेंज किया गया एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच देखा गया, यानी कि ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया कि एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी ओवरऑल जो नीड है और जो उनकी वर्क मोटिवेशन है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ऐसे में जो उनका जो कार्य से संबंधित जो उनकी नीड्स हैं उसके ऊपर फोकस गया, ना कि इसके पहले जैसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की बात हो रही थी तो केवल उनको एक कमोडिटी के तौर पे या रिसोर्स के तौर पर देखा जा रहा था जिनसे कुछ कार्य कराया जाना है, बल्कि अब उनकी इंडिविजुअलिटी को भी पहचान मिली या उस पर भी फोकस गया और उनकी पर्सनल नीड्स, उनकी वर्क नीड्स और उनका वर्क मोटिवेशन, इस पर भी ध्यान गया। इसके बाद जो राइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हुआ उसमें फोकस ऑन मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको भी ध्यान दिया गया। इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है, दैट इज़ अबाउट मोटिवेशन एट वर्क, एंड इसमें जो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस, इन तीनों की बात की गई है। और कंटेंट से यहाँ पर तात्पर्य है कि अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लॉई नीड्स, और इसके लिए हम मैस्लो के नीड हायरार्की मॉडल को एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से फिजियोलॉजिकल नीड्स का पूरा होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम ग्रोथ नीड्स को पूरा करते हैं अपनी, जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स जिसको डेफिशिएंसी नीड्स कहा गया है, उनको पूरा करने के बाद वी मूव अबव इन द स्केल, और उस पिरामिड में जब हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी नीड्स को हम फुलफिल करते हैं। तो ऐसे में जो अगला यहाँ पर जो मोटिवेशन से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट, और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन दैट इन द रेफरेंस ऑफ मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लेकर के एक मॉडल बनाया गया, और उसमें 5 प्रमुख तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस, और ये तीनों ही जो हैं ये मीनिंग ऑफ द टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मीनिंग ऑफ द टास्क, यानी उस टास्क का एक्चुअल मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये दर्शाते हैं ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस। इसके बाद जो ऑटोनॉमी है, ये व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है कि एम्प्लॉई अपने टास्क को लेकर के कितना रिस्पॉन्सिबल फील करता है, और इसके बाद जो फीडबैक है ये इस चीज़ को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना इन्फॉर्म्ड है, कितना उसके पास जानकारी है अपने कार्य के प्रति। तो ये जॉब से संबंधित ये जो कुछ फीचर्स हैं, यानी मीनिंगफुलनेस ऑफ द जॉब, उस कार्य का क्या मीनिंग है, उस कार्य की से जो निकलने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है उस एम्प्लॉय के अंदर, और उस जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, जो फीडबैक उसके पास है, ये उसके कहीं ना कहीं मोटिवेशन को एक कॉन्टेक्स्ट देता है, और ऐसे में एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो एनहांस होता है। इसके बाद एक और प्रक्रिया है, एंड दैट इज़ प्रोसेस, और वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, और ऐसे में गोल सेटिंग थियरी यहाँ पर एक बेहतर विकल्प के रूप में इसको एक्सप्लेन करती है। जैसे हम अगर स्पेसिफिक गोल्स के साथ आगे बढ़ते हैं रेदर देन कि कोई भी रैंडम गोल, या जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास एक कंक्रीट स्पेसिफिक गोल होता है तो हम उसको अचीव करने को लेकर के ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इसके अलावा एक जो लास्ट टॉपिक हमारा इस डिस्कशन में रह गया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम्स एंड ग्रुप्स फॉर मोटिवेशन, यानी कि हम जब टीम में कार्य करते हैं और साथ ही साथ हम जब ग्रुप्स में कार्य करते हैं तो हमारा मोटिवेशन उससे एनहांस होता है। और ऐसे में जो प्रोसेस गेन्स और प्रोसेस लॉसेस की यहाँ बात की गई है, ये 2 कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसेस गेन्स में हम टीम के तौर पर जब कार्य करते हैं, यानी कि हम इंडिविजुअल के तौर पे नहीं बल्कि खुद को एज अ टीम मेंबर देखते हैं, तो हम प्रोसेस गेन की दिशा में होते हैं, यानी हमारा मोटिवेशन हाई होता है। उसके अलावा जब हम ग्रुप में होते हुए इंडिविजुअल लेवल पर कार्य करते हैं, यानी एज अ टीम मेंबर जब हम पार्टिसिपेट नहीं करते, एज अ टीम मेंबर जब हम बिहेव नहीं करते, या उस पूरे ग्रुप में लोग एज ए टीम जब एक दूसरे को नहीं देखते, तो ऐसे में वो कंडीशन होती है प्रोसेस लॉसेस की, और ऐसे में जो ओवरऑल मोटिवेशन होता है, वर्क मोटिवेशन, वो नीचे जाता है। तो इस प्रकार की ये जो सभी हमने आज चर्चाएं की, जिसमें हमने कोशिश की ये समझने की कि किस प्रकार से जो वेलबींग है एट द जॉब और उससे रिलेटेड जो वर्क मोटिवेशन है, उसके अलावा हमने जॉब रिसोर्स एंड जॉब डिमांड की जो मॉडल है उसकी भी हमने बात की। तो आज अपने इस पूरे डिस्कशन से हम अपने इस सेशन को आज यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा अपने इसी कोर्स में, अप्लाइड साइकोलॉजी के कोर्स में, उसमें हम अपने आगे आने वाले सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो अपने लेक्चर नंबर 7 में हम कंज्यूमर साइकोलॉजी के टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।